हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ स्टार के फोटो एडिटिंग अच्छे कुमार का। दोस्तों तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एडिटिंग सिखाया है। तो वीडियो में मैंने जितना भी बैकग्राउंड पेज यूज किया सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बस आप जाकर आपको मुझे सब्सक्राइब करके आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉलो करना ना भूले। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना होगा। इस बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद अपने मॉडल को सेलेक्ट कर लेना होगा। इस अपने मॉडल का कटआउट कर लेना होगा। हम कटआउट कर इजीली बैकग्राउंड रिमूव कर हम रखे हैं गाइस। तो आप एडजस्ट करना होगा तो हम इसे एडजस्ट करते हैं। ओपासिटी को कम करके गाइस आप भी मतलब अपने हिसाब से ओपासिटी को कम करके एडजस्ट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर इस तरह से पोज में आप खिंचा मतलब फोटो वो क्लिक कर सकते हैं गाइस। तो गाइस इसी तरह कुछ टाइप से इस स्टेप को फॉलो करके अच्छे कुमार का ये कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग है आप इस कुछ स्टाइल फोटो एडिटिंग कर पाएंगे गाइस। इस स्टेप को फॉलो करके गाइस तो देख सकते हैं कि ना अमेजिंग फोटो है गाइस। इसको एडिटिंग करने के लिए काफ़ी अमेजिंग बैकग्राउंड है। तो आप ओपेसिटी को कम करके आप इजीली मतलब फोटो एडिटिंग कर सकते हैं गाइस। गाइस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है गाइस। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जितना भी बैकग्राउंड पेंजी मैं यूज कर रहा हूँ सबका लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाकर इजीली वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो देखिए आप इस तरह से कुछ स्टेप से स्टेप को फॉलो करके आप एडिटिंग कर सकते हैं मतलब एडजस्ट कर सकते हैं ओपेसिटी को कम बेसी करके। तो हम जाएंगे रिजर्वर टू में, रिजर्वर टू में जाकर इन्वर्टर कर देंगे। अब जो बाकी का हम उसे इरेज करके मतलब उसे एडिटिंग करेंगे गाइस मतलब बढ़िया से। तो आप इस तरह कुछ बर्फ को चलाएंगे गाइस कुछ इस प्रकार से गाइस। तो देख सकते हैं गाइस इस प्रकार से जूम करके फोटो को एकदम आराम आराम से फोटो को एडिटिंग कीजिएगा गाइस। चलिए गाइस हम वीडियो को भी थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। हम कितने तरीके से रेजर और एडिटिंग मतलब इतना हो चुका है गाइस। तो इतना डन करने के बाद अब हम जाएंगे टूल वाले ऑप्शन में गाइस। तो इसको चलिए हम डन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मतलब डन करने से पहले आप एडजस्ट देख सकते हैं छोटा है कि बड़ा। इतना डन करने के बाद हम जाएंगे टूल वाले ऑप्शन में गाइस। तो हम चलिए टूल वाले ऑप्शन में जाते हैं गाइस। टूल वाले ऑप्शन में एडजस्ट में जाएंगे गाइस। एडजस्ट में जाने के बाद हम थोड़ा सा जो कलर ग्रेडिंग है उसको मैच करेंगे गाइस। जो अच्छे कुमार का जो है कलर उसमें अपना भी सर को हम मैच करेंगे थोड़ा सा मतलब रियल गाइस। तो हम कंट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज कर देते हैं, सेचुरेशन को भी और क्लैरिटी को भी सबको हल्का हल्का सा इंक्रीज कर देंगे गाइस। थोड़ा सा कलर मैच हो जाएगा, थोड़ा रियल लगेगा गाइस। तो आप इसी तरह से कुछ इस प्रकार से स्टेप को फॉलो करके कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं गाइस। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा गाइस। चलिए चलते हैं हम उसे इरेज वाला टूल में जाकर उसे इरेज कर लेते हैं। इन्वर्ट पर क्लिक करके ब्रश को सेलेक्ट करके फोटो को जूम करेंगे गाइस। अपने मॉडल के फेस पे जो है उनको उस ब्रश को चलाएंगे गाइस। तो देखिए हमारे कितना अच्छे तरीके से मैच हो जा रहा है गाइस। कुछ इस तरह से आप भी स्टेप को फॉलो कर आप हेयर पर भी चला सकते हैं गाइस। देख ही सकते हैं कुछ स्टेप को फॉलो करके। आपका जितना भी कलर ग्रेडिंग मतलब कम बेसी आप मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप बस मतलब इरेजर करने के बाद तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से स्टेप को फॉलो करके। इतना कंप्लीट हो चुका है। इतना कंप्लीट होने के बाद डन करते हैं। डन करने के बाद हम जाएंगे इफेक्ट वाले टूल में गाइस। इफेक्ट वाले टूल में जाने के बाद अब हम जाएंगे जाने के साथ साथ लास्ट वाला ऑप्शन को चूज कर लेंगे गाइस। चूज करने के बाद हम उसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इरेजर वाले टूल में जाएंगे गाइस। इरेजर वाले टूल में जाने के बाद उसे हम
कम बेसी देख लेंगे गाइस। कम बेसी देखने के बाद हम उसे एक लाइटन या स्क्रीन आपको जो भी पसंद आएगा आपके फोटो के हिसाब से आप उसे एडजस्ट मतलब कर सकते हैं गाइस। तो देख सकते हैं मेरा नॉर्मल ही रहने देता हूँ और इसे कम कर देता हूँ और मतलब इसे इरेजर का तुम जाके इन्वेंट करके आप इरेज कर सकते हैं गाइस अपने मॉडल के फेस पर या कपड़ों पर आपको जहाँ चाहिए वहाँ पर आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। इससे ये होता कि आपका जो रियल हो जाता है और मैच भी हो जाता है, काफ़ी अमेजिंग कूल लुक भी आ जाता है गाइस। तो देखिए कितना अमेजिंग से यार हमारा मतलब गाइस सबको ब्रश को चलाना गाइस। तो देख ही सकते हैं कुछ सर पर का सब बालों पर भी हेयर पे भी आपको ब्रश को चला देना है गाइस। देख ही सकते हैं आप चाहें तो नहीं चलाएंगे गाइस। कितना अमेजिंग और क्रिएटिव फोटो देखने को मिल रही है गाइस। देख ही सकते हैं कितना अमेजिंग और क्रिएटिव अब फोटो एकदम रियल लुक हो गया गाइस और मैच भी हो गया गाइस। देख ही सकते हैं कितना अमेजिंग। जितना भी इमेज किया हूँ सबका लिंक टेलीग्राम चैनल पर दीजिए हूँ, वहाँ पर आप जाके इजीली डाउनलोड करके आप एडिटिंग कर सकते हैं गाइस। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो गाइस लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। चलिए हम ड्रॉ टूल में जाकर इस फोटो को सेव कर लेते हैं गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।